मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गुलाबगंज में जिले का एकमात्र भव्य परिसर वाला शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष ग्यारसपुर अनुविभागीय अधिकारी ब्रजेन्द्र रावत, विदिशा जैन कॉलेज प्राचार्य मंजू जैन, पूर्व जनपद अध्यक्ष छत्रपाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। उसके बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के जनभागीदारी समिति अध्यक्ष ब्रजेन्द्र रावत ने कहा कि गुलाबगंज जैसी जगह पर महाविद्यालय खोलना बहुत गर्व की बात है। क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदिशा या बासोदा जाना पड़ता था, जिससे छात्र छात्राओं के पालक भी बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने से कतराते थे। अब गुलाबगंज के शासकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं का अध्ययन के लिए विशाल भवन है, जहां छात्र छात्राएं प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन कर अपना करियर बना सकते हैं। विदिशा जैन कॉलेज की प्राचार्य मंजू जैन ने भोजमुक्त विद्यालय के शुभारंभ अवसर पर छात्र छात्राओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में बताने के अलावा कहा कि भोज यूनिवर्सिटी से कोई भी युवक युवती, गृहिणी, नौकरी पैसा, स्वरोजगार में व्यस्त व्यवसायी, दूरांचल के ग्रामीण आदिवासी सभी उपयोगी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर अपना भविष्य बना सकते हैं। इस दौरान समस्त कॉलेज स्टाफ और सदस्य मौजूद रहे। विदिशा से भैया लाल धाकड़ की रिपोर्ट। शासकीय महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए? आज शासकीय महाविद्यालय गुलाबगंज में जन भागीदारी की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक में संस्था के प्राचार्य, अग्रणी शाला महाविद्यालय के प्राचार्य उपस्थित हुए। तीन निर्णय इसमें महत्वपूर्ण लिए गए हैं। प्रथम निर्णय ये लिया गया कि महाविद्यालय में चूंकि नया भवन है, इसमें इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो इंटरनेट की फैसिलिटी के हम लोगों ने विविध व्यय के लिए हमने राशि स्वीकृत कर ली है। उसके अंतर्गत जो शासन के नियम प्रक्रिया है उसमें हम 50,000 रुपये राशि के अंतर्गत हम लोग उसमें इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। दूसरा निर्णय लिया है कि हम लोग में जो नया शिक्षा नीति के अंतर्गत जो शिक्षक हमें चयनित करना है, उसके लिए हम अस्थायी तौर पर टीचर को हम रखेंगे ताकि बच्चों को उसका सुविधा का लाभ मिले। तीसरा इसमें निर्णय लिया कि हमारे यहाँ चूँकि विद्यालय महाविद्यालय नया है, तो पुस्तकालय लिए पुस्तकें, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पुस्तकें हैं उनका अभाव है, पुस्तकों के लिए 1,00,000 रुपये की राशि की हम लोगों ने स्वीकृति कर ली है। अच्छा, इसमें शासन के जो भी नियम निर्देश होंगे, शासन के नियम प्रक्रिया उनका पूरा पालन किया जाएगा। महाविद्यालय में केवल बीए के अलावा अदर कोर्सेज नहीं है, एमए, एमकॉम या फिर बीएससी, बीकॉम, तो इसके लिए क्या कोई प्रयास है? इस संबंध में प्राचार्य महोदय से भी चर्चा हुई है और इस संबंध में दोनों के द्वारा बताया गया कि समय समय पर हम शासन जो भी निर्देश होंगे इसमें पहल करेंगे और शीघ्र ही हम इन विषयों को खोलने का प्रयास करेंगे।